पोहरी में हर साल की तरह इस साल भी पर्युषण वर्ष के समापन पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। बड़े मंदिर आदिनाथ दिबंगर आतिशय मंदिर में श्री जितेंद्र देव का अभिषेक पूजा अर्चना कर भक्तों ने चल समारोह निकाला। जिनेंद्र देव का अभिषेक शांति धारा फूलमाला महाआरती की बोली लगाई गई, जिसमें कपिल जैन द्वारा जैन संचालन किया गया। बाहर से पधारे सभी अतिथियों की भोजन की व्यवस्था पोहरी जैन समाज द्वारा की गई थी। जय जिनेंद्र उत्तम समा। आज दशलक्षण महापर्व हमारे चल रहे थे, जो कि कल दिनांक 17 को समाप्त हो 17 सितंबर को समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद श्री जी का जुलूस यात्रा निकाली जाती है। पूरे नगर भ्रमण के बाद जुलूस यात्रा को छोटे मंदिर और पूरे चौराहे से ले जाते हुए और वापस छोटे बड़े मंदिर ये किले के अंदर श्री आदिनाथ जिनेंद्र पर लाते हैं। यहाँ पर श्री जी का अभिषेक होता है और उनका अभिषेक के बाद उनको तुरंत हम वापस वेदी में विराजमान कर देते हैं। नगर भ्रमण को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसमें सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से सभी शामिल होते हैं और ये बहुत अच्छा पर्व है। और आज के दिन हम लोग क्षमा वाणी पर्व भी मनाते हैं, जिसमें हम लोग सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं और सबको क्षमा करते हैं। ये आज के दिन का हमारा क्षमा वाणी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है।